हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉटवाइलर के बारे में। अगर रॉटवाइलर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आपके लिए सही है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि रॉटवाइलर फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर के लिए नहीं है और वो कभी कभार अपने ऑनर के ऊपर हमला कर देता है, छोटे बच्चों के ऊपर हमला कर देता है। तो ये सही बात है या नहीं है, कि करता है नहीं करता, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप सिटी में रहते हो, आपका घर छोटा है या बड़ा है, तो कौन सी जगह पे रॉटवाइलर अच्छे से रह सकता है, और क्यों रॉटवाइलर इतना एग्रेसिव होता है कि वो हमला कर देता है, और क्यों कोई कोई बोलते हैं कि रॉटवाइलर काफ़ी अच्छे भी है। तो सब कुछ इस डिटेल जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम उनकी एग्रेसिव की। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास रॉटवाइलर है, आप में से कई सारे लोगों के पास भी रॉटवाइलर होगा और काफ़ी फ्रेंडली भी होगा। और एग्रेसिव क्यों होता है मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्योंकि कभी कभार वो बोलते हैं ना कि रॉटवाइलर जो डॉग ओनर के ऊपर हमला कर देता है, तो क्यों करता है उसके पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं। जो फर्स्ट रीज़न है वो है कि अगर आप ज़्यादा टाइम अपने डॉग के साथ नहीं देते, उनको प्रॉपरली दोस्तों वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम नहीं कराते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उसके कारण दोस्तों रॉटवाइलर कभी कभार एग्रेसिव होता है। दूसरी बात दोस्तों, कोई कोई डॉग ओनर क्या करते हैं कि उसको बांध के रखते हैं ज़्यादा टाइम तक। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उसको बांध के रखोगे तो ऑब्वियसली दोस्तों कोई भी डॉग होगा वो एग्रेसिव ज़रूर होगा। तीसरा जो दोस्तों रीज़न है वो है कि अगर आप घुमाने नहीं जाते, उनको उनके साथ खेलते नहीं, उनको फ्रेंडली नहीं बनाते, सोशलाइज नहीं कराते, तो उसके कारण भी आपका डॉग एग्रेसिव हो सकता है। तो सबसे पहले बात जानना है कि जब भी आप नया पपी ले तो दोस्तों आप अपने हिसाब से डॉग दोस्तों जैसा डेवलप कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको फ्रेंडली चाहिए, अच्छा गार्ड डॉग चाहिए, तो उस तरह से आप उसे डेवलप कीजिएगा। कि जैसे ऐसा नहीं कि दोस्तों कोई भी डॉग पहले से एग्रेसिव होता है, ये पूरी बात गलत है। क्योंकि अगर कोई भी डॉग आता है तो दोस्तों आपके हिसाब से उसे बना सकते हो। जैसे कि आप अगर घर में उनके साथ सबके साथ फ्रेंडली रखते हो, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडली रखते हो, तो सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाएगा और दोस्तों अच्छा गार्ड डॉग भी बनेगा। अच्छे अगर आप उसे ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग देते हो उसके साथ, रेगुलर ट्रेनिंग उसको करते हो, तो दोस्तों ऐसे में क्या हो जाए कि आपका डॉग जो आपकी बात भी मानने लगेगा, एग्रेसिव होता है वो थोड़ा सा कम होगा, फ्रेंडली रहेगा। और छोटे बच्चों के साथ अगर बचपन से आप सोशलाइज कराते हो, बाकी डॉग्स के साथ सोशलाइज कराते हो, तो ऐसे में उनके साथ भी काफ़ी अच्छे से वो रहेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को ऊपर हमला कर देते, बट दोस्तों वो उनकी गलती होती है कुछ, उसके कारण कभी कभार डॉग एग्रेसिव भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको पहले से सावधान रहना चाहिए, पहले से उसको ट्रेन करना चाहिए, बच्चों के साथ उनको खेलने देना चाहिए। अगर वो बचपन से ही उनके साथ खेलते हैं, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करते, तो बड़े होकर जो रॉटवाइलर है उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, उनको संभालेंगे, ना कि उनके ऊपर कभी हमला करेंगे। अगर आप भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हो बच्चों को, तो दोस्तों आप पे भी वो हम दोस्तों भोंकता है या फिर बार्क करेगा, क्योंकि बच्चों को काफ़ी वो पसंद करने लगेगा फिर, और उनकी काफ़ी हिफाजत भी करेगा। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो छोटा रॉटवाइलर होता है, छोटा पपी होता है, वो कभी 90 दिन का होता है या फिर 2 महीने या फिर 3 दिन 3 महीने का होता है, तो ऐसे में वो कभी कभार आपको बार्क करता है या फिर कभी कभार जो काट लेता है। तो दोस्तों वो एग्रेसिव के साइन नहीं होते, वो क्या होता है कि उनके दाँत है वो टूटते या फिर नए नए आते दाँत, या कभी कभार दाँत नए आने लगते, तो उसके कारण उनके दाँत में खुजली आती है और कभी कभी दर्द भी होता है। तो ऐसे में वो आपके घर की चीज़ें काटेंगे या फिर कभी कभार आपका हाथ भी काट लेंगे। ऐसे में अगर आप उसको टॉयस वगैरह देते हो, या फिर मेरी हाउ टू स्टॉप डॉग बाइटिंग वाली वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, आप वो जाके सारी डिटेल जान सकते हैं उसमें। और अभी तो बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो डॉग को एडॉप्ट करती है रॉटवाइलर। दोस्तों किसी के बोलने के ऊपर दोस्तों आप भरोसा मत कीजिएगा, पर्सनली आप जाके जिनके पास रॉटवाइलर है उनका एक्सपीरियंस आप दोस्तों लीजिएगा कि कैसे इनको संभालना है, किस तरह से इनको फ्रेंडली करना है, तो भी दोस्तों आपको बहुत कुछ नॉलेज उनसे मिलेगा। और हमारे चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। और बात करते हैं छोटे घर या फिर बड़े घर, तो रॉटवाइलर को ध्यान रखिएगा कि आप छोटे घर में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो चिड़चिड़ा हो जाएगा रॉटवाइलर आपका, और कभी कभार किसी और के ऊपर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके उसको थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए स्पेस चाहिए। थोड़ा सा अगर आपके पास थोड़ा बड़ी जगह हो, 3-4 रूम हो, ऐसे में वो एक रूम से दूसरे रूम जा सकता है, या फिर 4 रूम हो तो भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और डॉग के लिए भी। अगर आप रेगुलर उसको वॉक पे ले जाते हो सुबह शाम, ज़्यादा नहीं दोस्तों, आप कम से कम आधा एक घंटा भी उसको सुबह और शाम ले जाते हो, तो ऐसे में उसका माइंड फ्रेश रहेगा। अगर वो दिन भर घर में ही पड़ा रहेगा दोस्तों, ऐसे में उसके दिमाग जो है एग्रेसिव होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन करने लगेगा। तो ऐसे दोस्तों आप भी अगर घर में दिन भर रहते हो तो दोस्तों आपका भी स्वभाव चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में रॉटवाइलर का दोस्तों स्वभाव भी चेंज हो सकता है। अगर आप उसको जो प्रॉपरली उसके साथ नहीं खेलते, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, प्रॉपरली उसको दोस्तों खाना नहीं देते, कभी कभार डॉग ओनर ऐसा गलती कर देते कि रॉटवाइलर को भूख लगी होती है,
तो भी टाइम टू टाइम खाना नहीं देते, तो दोस्तों ऐसे में वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। और दोस्तों बात करें उनकी फ्रेंडली नेचर की या फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए, तो दोस्तों आप जो अगर आप अच्छे से उनको ट्रेन करते हो, अच्छे से उनको फ्रेंडली रख सकते हो, तो दोस्तों आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो भी दोस्तों इन्हें बाय कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इनको सोशलाइज और ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है, और आपको इनके खान पान में, इनके हेल्थ में भी काफ़ी दोस्तों ध्यान देना पड़ता है। इनके कोट कलर में, इनके जो जो नाखून होते हैं, इनके जो तीत होते हैं, इन सब में उनको आपको डिटेल से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है इन सारी चीज़ों में। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो या फिर आपके घर में बेबीज वगैरह, तो दोस्तों आप इसे ला सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देने का ज़रूर होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो और स्टार्टिंग में तो आपको बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है पपीज़ के ऊपर। फिर जैसे दोस्तों बड़ा हो जाता है, एक साल का हो जाता है, दो साल का होता है, फिर धीरे धीरे आप उसको ध्यान देते हो, तो ऐसे में वो उसको हैबिट बन जाती है घर की, फिर वो बेबीज़ के साथ भी खेलने लगेगा, आपकी फैमिली के साथ भी अच्छे से रहेगा, फिर आपको उसको छोड़ के जाने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि आपके काफ़ी करीब वो आ जाएगा, तो आप उसे ले सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास नया पपी है तो आप उसे अच्छे से दोस्तों सेरेलैक दे सकते हैं, मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं, या फिर पपी स्टार्टर फूड भी उसे दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि 30 दिन से पहले उसको मत लेके आइएगा, कम से कम एक महीने का हो या फिर 30 दिन से ऊपर हो या फिर 90 दिन का हो, तो ऐसे में आप उसे लेके आ सकते हैं। और खाना उसको 3 से 4 टाइम उसको ज़रूर देना है। आप सुबह दोस्तों मॉर्निंग में 8 बजे या फिर 12 बजे, उसके बाद आप उसे 3:30-4 बजे या फिर 8 बजे दे सकते हैं, फिर रात को ज़्यादा आपको उसको देना नहीं, फिर से आप सुबह उसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर उसे भूख लगी तो आप 10 बजे थोड़ा कुछ उसे खाने दे सकते हो। हमने दोस्तों बहुत सारी रॉटवालर के ऊपर वीडियो बना के रखी है, आपको उसे फैक्ट जानना हो आप जान सकते हो, उसके वर्सेस की वीडियो भी मैंने बना के रखी है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसको कैसे हेल्थ इंक्रीज़ करें, ऐसे सब कुछ दोस्तों वीडियो मैंने बना के रखी, तो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो के एंड में भी आपको दे दूंगा मैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जो जो मैंने वीडियो बनाई है रॉटवालर के ऊपर उसके बारे में आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी आपको ऐसे वीडियो चाहिए और डॉग के ऊपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम दिक्कत हो तो मुझे इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।